मैनपुरी का चुनाव मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए? 15 लाख रुपए? किसान की आय दोगुनी हो गई? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? स्मार्ट सिटी बन गए? और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी लोन माफ करने का, क्या लोन माफ हो गया? उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में घंटी आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये? जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था आज बताओ कितना हो गया महंगा? सरसों की क्या कीमत थी बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं, जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख
अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है, तो ये सरकार कहाँ बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं।